SCVM मा सॉल्यूशन चैप्टर 23 हीट एंड टेंपरेचर क्वेश्चन नंबर 19 अ पेंडुलम क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस एट अ प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 द पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ लाइट स्टील रॉड कनेक्टेड टू अ हेवी बॉल इट इज टेकन टू अ डिफरेंट प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.788 एट व्हाट टेंपरेचर विल इट गिव करेक्ट टाइम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील इज 12 × 10⁻⁶ ओके तो अपने पास एक पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम जिसका ये स्टील रॉड है ओके और ये बॉब लगा रखा है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो अपन टेम्परेचर कितना क्या फॉर्मूला है 2π√L/g इस फॉर्मूला से टेम्परेचर निकालते हैं जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो और जी 9.8 हो और लेंथ फिक्स हो तब टाइम ये क्लॉक अच्छे से वर्क करती है यानी टाइम पीरियड अपना 2 सेकंड आता है पेंडुलम क्लॉक का ओके बट इन्होंने क्या किया अगर इसको 9.8 पे लेके चला जाए यानी किसी और प्लैनेट पे लेके चला जाए यानी जी चेंज हो जाए तो जी चेंज हो गया तो श्योर है कि हेल्थ को चेंज नहीं किया तो टाइम पीरियड चेंज होगा तो उन्होंने क्या किया टेम्परेचर को वेरी कर दिया टेम्परेचर वेरी करने से एल वेरी होता है ये अपने को पता है रोड है ये आपका मेटल रोड है तो लेंथ टेम्परेचर चेंज करने से लेंथ वेरी करेगा तो लेंथ को वेरी कर देंगे तो किस टेम्परेचर पर लेंथ इस तरह से आएगा कि वापस टाइम पीरियड सेम आ जाए यानी जो पहले टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड आ जाए यानी 2 सेकंड आ जाए राइट तो हमें लेंथ का वेरिएशन टेम्परेचर का बताना है टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर सेम टाइम पीरियड शो करेगा तो यहाँ पर देखो इनिशियली मैं देखूँ तो इनिशियली जब जी 9.8 था तब आप टाइम पीरियड कितना आता है √L/g और जब जी को चेंज किया उन्होंने तब टाइम पीरियड मान लो टी डैश आ रहा है वो कितना आ रहा है 2π√L/g तो यहाँ पे जी को तो इन्होंने जी डैश कर दिया अब एल को भी इन्होंने चेंज किया क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो एल चेंज होगा यानी एल डैश होगा यानी हमें अगर इन दोनों को सेम रखना है इन दोनों को सेम रखना है यहाँ पे डैश नहीं लगाता हूँ इन दोनों को मेरे को सेम रखना है तो मेरे को 2π सेम रखना पड़ेगा L/g सेम रखना पड़ेगा यानी जो ये रेशियो आएगा वही ये रेशियो आएगा अब देखो यहाँ पे इन्होंने जी को चेंज किया जी को डिक्रीज किया तो यहाँ पे मेरे को लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा डिक्रीज यानी टेम्परेचर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा ओके चेक करते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड सेम बोला यानी टी इज इक्वल टू टी डैश बोल सकते हैं अगर ये टी डैश है तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 2π√L/g इज इक्वल टू 2π√L/g ओके तो 2π कैंसिल √√ कैंसिल L/g इज इक्वल टू L/g अब देखो L/g एल डैश क्या होता है आपका फाइनल लेंथ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो फाइनल लेंथ क्या लिखते हैं अपन फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 + α δ t डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर राइट अब यहाँ पे इनिशियल लेंथ कितना एल है इनिशियल लेंथ एल था और टेम्परेचर बढ़ने से इसका लेंथ एल डैश हो गया यानी ये अपना फाइनल लेंथ है तो एल डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ एल 1 + α δ t α δ θ अपॉन जी डैश तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में एल एल कैंसिल आउट तो यहाँ से देखो जी डैश बाई जी कितना आ गया मेरा 1 + α δ θ तो यहाँ से अगर आप α δ θ निकालोगे α δ θ तो ये क्या आया सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1 − g′/g वैल्यू पुट करो 1 − g′ कितना है जी डैश है 9.788 और g कितना है 9.8 सॉल्व करते हैं इसको तो अल्फा है अपने पास 12 × 10⁻⁶ ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1 - कितना आएगा ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.998775 कुछ आएगा ठीक है तो यहाँ से डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आएगा 1 - सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.001224 आएगा अपॉन 12 × 10⁻⁶ ये माइनस है 10⁻⁶ तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 102.04 आएगा ओके तो डेल्टा थीटा क्या होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 20 इज इक्वल टू 102 ले लेते हैं अप्रोक्स तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा −20 − 102 तो थीटा इज इक्वल टू −102 + 20 यानी ये आ जाएगा −82 डिग्री सेल्सियस यानी इस टेम्परेचर पे क्या होगा आपका लेंथ एल डैश आएगा जिससे कि टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा टाइम पीरियड जो पहले था वही दिखेगा और वो सही भी है कि टेम्परेचर घटाएंगे तो लेंथ घटेगा और इन दोनों का रेशियो वापस सेम आ जाएगा जो रेशियो यहाँ पे था ताकि टाइम पीरियड चेंज ना हो।